सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों नमस्कार, आइए बात करते हैं इस सॉफ्टवेयर को जिसका नाम है वेक्ट्रे। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया है, अगर आपने इसके बारे में जानकारी लेनी है ज्यादा तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहां से इस सॉफ्टवेयर की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, कैसे ऑनलाइन इस सॉफ्टवेयर को आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू कर देते हैं इस सॉफ्टवेयर को। यहाँ से स्टार्ट डिजाइनिंग पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वेक्टर है आपका जो सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है ये, तो खुलना शुरू हो जाता है आपका। जैसा कि मैंने बताया है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, इसका जो शुरू में आप सीखना है इसको, तो वो कैसे आप इसको सीख सकते हैं, कैसे आप इसको ओपन कर सकते हैं, वो पूरा उस लिंक को आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोई भी 3D सॉफ्टवेयर की तरह बिल्कुल यहाँ पे ये इसका जो ग्रिड है ये आपको दिखाई देगी। आप रोटेट कर सकते हैं कैसे ही भी बटन को दबा के, यहाँ पे जो लेफ्ट क्लिक बटन है उसको दबा के। अगर आप माउस का स्क्रॉल बटन दबाएंगे तो यहाँ जूम इन जूम आउट करेगा। यहाँ पे ऊपर सिलेक्शन बटन है और यहाँ पे इस साइड में जो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड आपका, यहाँ पे आपको देखिए एक प्रॉपर्टी बार दिखाई देगा। और यहाँ पे आप राइट साइड में मैं आप बात करूँगा तो यहाँ से आप ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी के लिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी वो लगा सकते हैं। यहाँ पे जो आइकन यहाँ पे सेव इंपोर्ट, ये चीज़ें हैं। अब बात करते हैं इसको आपने, देखिए मैं एक मॉडल आपको जो कप का डिज़ाइन है वो आपको बना के दिखाऊंगा, वो कैसे बनाएंगे तो आप उसको वीडियो को जो है पूरा देखें। दोस्तों यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले न्यू ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे न्यू ऑब्जेक्ट करेंगे यहाँ से ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी के लिए जो हमारे अब यहाँ पे बेसिक शेप होती है वो आ जाएंगी। यहाँ से बेसिक शेप में सबसे पहले मैं यहाँ से सिलेंडर लेता हूँ, आप इनमें कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, जिस टाइप का आपने जो ड्राइंग बनानी है वो लेते हैं। यहाँ पे मैं एक जो है सिलेंडर लेता हूँ। सिलेंडर लेने के बाद यहाँ पे एक पीला और एक पेन का आइकन आएगा और यहाँ पे पीला सा जो आप डॉट देख रहे हैं उस पर क्लिक करें, जितना आपने इसको बड़ा करना है वो आप बड़ा कर लें। मान लीजिए मुझे इतना बड़ा करना है तो मैं इसको यहाँ क्लिक कर देता हूँ। अब ऊपर की तरफ आप इसको जितना ऊंचा लेना चाहते हैं, देखिए कोई बात नहीं, आप ऊंचा नीचा बाद में कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ। चलिए मैं थोड़ा सा इसको यहीं छोड़ देता हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ। यहाँ से थोड़ा सा जो है इसको देखिए, अब ये है इसको मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा ऊंचा, जो ऊंचाई इसकी, तो मैं हाइट पर क्लिक करूँगा, इसको रोटेट कर दूंगा मैं हाइट को। देखिए यहाँ तक हो गया। अब मैं चाहता हूँ रेडियस का कम या ज़्यादा करना, तो देखिए रेडियस कम या ज़्यादा मैं यहाँ से कर सकता हूँ। उसके बाद है क्लोज एंड, अगर आप क्लोज एंड को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, देखिए हो गया, ये रहा, देखिए यहाँ से कर सकते हैं। अगर क्लोज एंड यहाँ से नहीं करते तो एक दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊँगा। तो उससे पहले देखिए ये दो चीज़ें, हाइट सेगमेंट और रेडियस सेगमेंट, आप ये बना लें। रेडियस सेगमेंट की मैं बढ़ा देता हूँ यहाँ से, थोड़े से काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं रेडियस सेगमेंट। ये हो गया 21 कर दिया मैंने रेडियस सेगमेंट। अब मैं चाहता हूँ हाइट सेगमेंट भी यहाँ से कोई भी चीज़ को, देखिए हाइट सेगमेंट का मतलब है कि जित सेगमेंट से आप ये समझें, किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने में सेगमेंट का जो है अहम योगदान होता है। जितने सेगमेंट होंगे होंगे उसको उतनी अच्छी तरह आप तोड़ मरोड़ सकेंगे ऑब्जेक्ट को, या उसको आप जो है एक्सट्रूड कर पाएंगे, बेवल जो भी आप करना है, जो भी जो 3D में होता है, वो सारे सेगमेंट के ऊपर जितने ज़्यादा सेगमेंट होंगे आपके ऑब्जेक्ट में उतने अच्छे आपके उसकी जो रियलिटी आएगी आपको। तो यहाँ पे बना दिया। अब मैं चाहता हूँ, देखिए मैं चाहता हूँ तो यहाँ से क्लोज एंड भी कर सकता हूँ क्योंकि इसको अंदर से खोखला, लेकिन ये दोनों साइड से खोखला होगा तो क्लोज एंड हम नहीं करेंगे। यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, मैं यहाँ से इसको बाहर क्लिक कर लेता हूँ एक बार। उसके बाद जैसे यहाँ पे देखिए आपके ये टूल बार आ गए और नीचे भी आपके काफ़ी सारे टूल बार आ गए, तो इन टूल बार को कैसे यूज़ करेंगे और देखिए मैं बताऊंगा। अभी यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, सिलेक्शन टूल है ये भी, मार्क्यू सिलेक्शन टूल है। यहाँ पे लेसो टूल है, आप इसके ऊपर कुछ वो ड्रॉ कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं। यहाँ से पेंट सेलेक्ट है। अब ये जो सिलेक्शन जॉब है काफ़ी काम का, बताऊंगा इसके बारे में। और ये तीन चीज़ सबसे ज़्यादा अहम जो है ज़रूरी है, ये एक है सेलेक्ट पॉइंट और सेलेक्ट लाइन और फेस। देखिए इसमें तीन चीज़ें होती है, जो लाइन है अभी दिखाई दे रही है, और सेलेक्ट पॉइंट जो आप यहां से एक एक पॉइंट में आपको बताऊंगा, और ये जो फेसिस है आप सेलेक्ट इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको पहले मैं क्या करता हूं, यहाँ से पॉइंट को सेलेक्ट कर लेता हूं। ये पॉइंट सेलेक्ट किया मैंने, यहां पे क्लिक कर दिया। अब मैं यहां से डिलीट बटन दबा दूं या बैकस्पेस दबा दूं तो ये खोखला हो जाएगा, लेकिन अंदर से नीचे से पूरा बंद रहेगा, ऊपर ऊपर से खोखला हुआ। तो अब क्या करते हैं, देखिए अब अगर आप चाहते हैं कि इसका जो मोटाई है, जो इसकी वाल कह सकते हैं, ये इसकी जो थिकनेस है, ये कम या ज़्यादा कैसे करें, तो हमें सेलेक्ट इससे सेलेक्ट कर लेते हैं। आप एक को सेलेक्ट करें कोई दिक्कत नहीं, एक को
फायदा नहीं होगा कुछ भी, क्योंकि हमने सारे की जो मोटाई है वो बढ़ानी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये सिलेक्शन जो लेते हैं और यहाँ से हम इसको ऑल कर देते हैं। ये ऑल ऑल का मतलब सिलेक्ट ऑल हो गया। अब इसको एक्सट्रूड करेंगे थोड़ा सा मोटाई देने के लिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ये हमारा ये रहा एक्सट्रूड, एक्सट्रूड करेंगे तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं लेके जाता हूँ तीर का निशान आ जाता है और जो व्हाइट कलर हो जाता है, तो जिसको देखिए कितना ही आप कम या ज़्यादा मोटा पतला कर सकते हैं। तो चलिए ये तो हो गया हमारा एक्सट्रूड हो गया। देखिए अब देखिए एक बर्तन की तरह लग रहा है लेकिन कप की तरह नहीं लग रहा है। तो थोड़ा सा पहले इसको हम बेवल कर देते हैं यहाँ से जो इसके नीचे के ये है। तो मैं यहाँ से लाइन सेलेक्ट करता हूँ, लाइन सेलेक्ट कर ले करने के बाद यहाँ से इस पे जाते हैं और यहाँ से मैं ये सेलेक्ट कर देता हूँ। ये हो गया हमारा सिलेक्शन। और अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे यहाँ से बेवल कर देता हूँ और बेवल किसी भी एक को पकड़ के आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए ये हो गया हमारा नीचे से। आप अगर चाहें एक्सट्रूड करना तो एक्सट्रूड भी कर सकते हैं, किसी फेस यहाँ से सेलेक्ट कर लें फेस को और यहाँ से सिलेक्शन के बाद फेस को यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए पूरा हो गया, आप इसको पूरा ना करें, इस फेस को सेलेक्ट करें थोड़ा सा और इसको आप एक्सट्रूड करना चाहें यहाँ से हल्का सा आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप लाइन सेलेक्ट करके यहाँ से इसको आप ये लाइन सेलेक्ट करें तो यहाँ से आप फिर बेवल कर सकते हैं इसको। देखिए एक लाइन को, चलिए इसको ज़्यादा जरूरी नहीं क्योंकि यहाँ कप का जो पैंदा हमने बनाया। अब बात करते हैं इसके जो हम यहाँ से सिलेक्शन ये लेते हैं कि इसका जो हैंडल है, हैंडल बनाएंगे यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से। देखिए दो को अगर एक से ज़्यादा सेलेक्ट करना तो आप शिफ्ट बटन दबाएंगे यहाँ से यहाँ और ये। अब इनको अगर एक्सट्रूड करके बनाएं तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दी गई डायरेक्टली इसको बना सकते हैं, यहाँ पे एक ब्रिज ऑप्शन है, ब्रिज ये रही। तो ब्रिज अगर बना देंगे तो आप देखिए डायरेक्टली ये बन जाएगा हैंडल। ये देखिए आप देख रहे हैं हैंडल बन गया है। अब इसमें सेगमेंट थोड़े से ज़्यादा बनाएंगे तो आपको और अच्छा रहेगा। ये देखिए ये हो गया आपका, और ज़्यादा बनाएंगे सेगमेंट और अच्छा लुक देगा। तो चलिए देखिए ये हमारा, आप इसको थोड़ा थोड़ा बहुत अगर इसको नैरो करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो वो मैं बाद में बताऊंगा किसी और वीडियो में, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम बना रहे हैं ये देखिए एक शेप बेसिक जो है हमारी कप की बन चुकी है। अब इसको एक रियलिस्टिक लुक देने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जाके आपको इसको जो है स्मूद जो है स्मूदिंग जो इसकी ऑफ है ऑन कर दें इसको। तो यहाँ पे देखिए जो कप है हमारा बिल्कुल रियल की तरह आपको दिखाई देगा। अब मैं इसका आपको एकदम रियल लुक दिखाता हूँ और यहाँ से डन एडिटिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो रियल कप है वो आपको दिखाई देगा दोस्तों। और देखिए ये देखिए रियल आपको बिल्कुल कप की तरह दिखाई दे रहा है, बिल्कुल कप बन चुका है। अब इसमें लाइटिंग है, जो मटेरियल है वो मैं नेक्स्ट के दो और तीसरे नंबर वीडियो में आपको सिखाऊंगा। तो देखिए दोस्तों अगर आपने इसमें कुछ सीखा है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपने क्या सीखा, और आप ये भी बताएं कि आपको क्या समझ नहीं आया। मैं कोशिश करूंगा आपको दोबारा से बताने की।